किचन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें जब मेथी पूरी बनानी होती है, कभी कभी हमारे पास मेथी नहीं होती है, मतलब फ्रेश मेथी अवेलेबल नहीं होती है, तो हम किस तरीके से हम कसूरी मेथी को यूज़ करके हमारी मेथी पूरी तैयार करेंगे। आइए चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं किस तरीके से मेथी पूरी तैयार होती है। मेथी पूरी बनाने के लिए जो सामान हमें लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसे मैंने छान लिया है छन्नी से। ये मैंने 1/2 कप कसूरी मेथी ली है, और ये मेरे पास है नमक, ये है काली मिरी कुटी हुई, ये है अजवाइन, ये है मेरे पास खाने का सोडा जो हम 1-2 पिंच यूज़ करेंगे, ये है चावल का आटा, और ये है हल्दी। आइए देखते हैं हमारी मेथी पूरी किस तरीके से तैयार होती है। मेथी पूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम एक परात ले लेंगे, इस तरीके की आप फैली हुई थाली ले लीजिए। इसमें ये जो हमारा 2 कप मैदा है इसे डाल देंगे। इस मैदे में हम सबसे पहले हमारा नमक मिला लेंगे, 1-2 चुटकी आप नमक डाल सकते हैं इसमें। नमक के बाद हम हमारे पास ये जो 1 या 2 चम्मच आप लगभग ये टीस्पून है मेरे पास, 2 टीस्पून इसमें आप चावल का आटा डाल दीजिए। ये मेरे पास है अजवाइन, ये हम लगभग 1 टीस्पून डालेंगे, 1 से 1.5 टीस्पून है मेरे पास, ये डाल देंगे। ये मेरे पास है काली मिरी पाउडर, इसे हम डाल देंगे 1 चम्मच, 1.5 भी आप ले सकते हैं, 1.5 चम्मच डाल दिया है मैंने। ये मेरे पास है 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा कलर आने के लिए और थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए। ये मेरे पास है खाने का सोडा, जो मैंने बिल्कुल 1/2 से भी कम मैंने टीस्पून लिया है, ये आप डाल दीजिए। अब हम हमारी ये जो कसूरी मेथी है आधी कटोरी जो हमने ली है ये डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने गरम तेल लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं, बट मैं अक्सर कोई नमकीन बनाती हूँ तो मैं गरम तेल ही मोमन में डालना पसंद करती हूँ। इसको आप 2 से 3 चम्मच ले लीजिए। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हथेली की मदद से आप इस तरीके से, दोनों हथेली की तरफ से इस तरीके से आप मिला लीजिए पहले, ताकि इसमें अच्छा सा मोमन पड़ जाए। ये लगभग आप 5 मिनट इस तरीके से कर लीजिए गरम तेल में। पाँच मिनट दोनों हथेलियों से रगड़ने के बाद इसे हम अभी पानी से थोड़ा सख्त आटा गूंद लेंगे, इसे ना ही ज़्यादा नरम करना है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदते जाइए। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा आटा गूंद के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मैंने नरम नहीं गूंदा है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे थोड़ा सख्त ही गूंदा है। जैसे हम और नमकीन तलते हैं उसी तरीके से अभी आटा तैयार करके इसे 10 मिनट हम रेस्ट करने देंगे, जब तक हम हमारा तेल गरम कर लेते हैं। आप एक कढ़ाई में तेल गरम करने रख लीजिए, तब तक हम हमारी पूरी को बेल लेते हैं। हमने सबसे पहले इस तरीके का आटे से एक गोला निकाल लेना है और इसे एक बड़ी रोटी में हम बेल लेंगे। इस तरीके से आप किचन टॉप पे बेल लीजिए। मैंने ये मेरे पूरी के लिए अच्छे से एक लोई लेके इसे बिल्कुल पतला बेल लिया है। अब हम इस तरीके का आप एक ग्लास ले लीजिए, जिसका ये जो एजेस है बहुत शार्प हो। आप अगर इससे छोटी पूरी बनाना चाहते हैं तो आप छोटा ग्लास या छोटी कटोरी ले सकते हैं। अब हम इसे इस तरीके से रख के गोल गोल पूरी से पूरी की तरह काट लेंगे। जैसे ही हमारी पूरी हम बेल लेते हैं, इस तरीके से आप पूरी साइड में निकाल के इसे आप इस तरीके का छुरी से चीरा दे दीजिए सारी पूरियों में। इस तरीके से चीरा देने से हमारी पूरी जो है फूलेगी नहीं और बहुत ही खस्ता बनेगी। ये देखिए, हमारी सारी पूड़ियाँ मैंने इस तरीके से बेल के तैयार कर ली है। इसी तरह से आप कर लीजिए। इस पूड़ी में अगर आपको चाहिए तो आप हल्दी, काली मिरी और दूसरा सामान आप और चाहिए तो डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से।
अब हम आप देख सकते किस तरीके से बिना फ्रेश मेथी के हमने अच्छी सी पूरी बना ली है कसूरी मेथी इस्तेमाल करके। ये स्वाद में भी बहुत टेस्टी होती है। आइए अब हमारे गरम तेल में इसे तल लेते हैं। कि हमारा तेल भी गरम हो चुका है। अब इस गरम तेल में हम हमारी ये जो पूड़ियाँ हैं मेथी पूड़ी, इसे मीडियम आंच पे हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी पूड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से लाल हो चुकी है। इसे हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। इसे आप बिल्कुल मीडियम आंच पे या कह सकते हैं स्लो से थोड़ा ज़्यादा आंच पे आप इसे हल्का लाल होने तक फ्राई कर लीजिए और इसे अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी एकदम खस्ता मेथी पूरी बन के तैयार हो गई है। ये बहुत ही क्रिस्प बनी है। ये देखिए बिल्कुल टूट गई है, खस्ती बनी है। इसे आप टी टाइम स्नैक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, पिकनिक में बना के ले जा सकते हैं, या वैसे ही बारिश का मौसम हो तो आप गरम गरम चाय के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। आपने देखा बहुत सिंपल है बनाने में। इसे ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।